सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक का एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक पढ़ेंगे, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार हिंदी भाषा के अत्यधिक महत्वपूर्ण शीर्षकों में से एक है। आपको पिछली कक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे तथा आगामी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ यदि आप कविता लेखन में रुचि रखते हैं तो अलंकार आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथा आगे चलकर यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अलंकार से 2 से 3 प्रश्न अवश्य आते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप पहले से ही इस विषय को अच्छी ढंग से पढ़ लें। तो चलिए हम चलेंगे और जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम शब्द का अर्थ होता है सजावट और कार का अर्थ होता है करना। जिस प्रकार मानव का श्रृंगार आभूषणों द्वारा होता है, उसी प्रकार कविताओं का श्रृंगार अलंकार से होता है। जैसे मानव मानव सस्ता सवरता है ताकि वह दूसरों को अच्छा लग सके, ताकि वह लोगों की नजरों में अच्छा दिखे। उसी प्रकार जब कवि किसी कविता की रचना करता है, और कवि कविता की रचना क्यों करता है, क्योंकि वह समाज को संदेश देना चाहता है। कवि का उद्देश्य होता है कि वह समाज को संदेश दे, इसलिए वह कविताओं की रचना करता है। परंतु उसका उद्देश्य तभी सफल हो पाएगा जब उसकी कविता ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा पढ़ी जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग उस कविता को तभी पढ़ेंगे जब वह अच्छी हुई। जैसे कि आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप उस सामान को पसंद करते हैं, उसके बाद उसका दाम पूछते हैं। उसी तरह आप कविताओं को तभी पढ़ेंगे जब वह कविताएं अच्छी हों, सुंदर हों, चाहे देखने में हो या पढ़ने में हो, वह सुंदर हो तभी उन कविताओं को पढ़ेंगे। इसी सुंदरता को उत्पन्न करने के लिए कवियों द्वारा जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अलंकार की परिभाषा हुई। काव्य के शोभाकरण के लिए जिस धर्म का प्रयोग किया जाता है वह अलंकार कहलाता है, या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। किताबों में अनेक परिभाषा दी गई हैं, परंतु आप परिभाषाएं स्वयं बनाना सीखिए। आपको यह पता चल गया कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है, कविताओं की शोभा बढ़ाता है। इस प्रकार आप उसकी परिभाषाएं स्वयं से लिख लेंगे। जैसे चारु चंद्र की चपल चांदनी, चमक रही यमुना जननी। अब यह एक कविता की लाइन है, हम बस इसे पढ़ते हैं एक बार और बार बार पढ़ने का मन करता है, क्योंकि इसमें अलंकारों द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अलंकारों द्वारा इसको सजा दिया गया है, इसलिए हम इसे बार बार पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यह अलंकार का कार्य है। अलंकार के प्रकार देखिए, मानव भी श्रृंगार 2 प्रकार से करता है। पहला श्रृंगार बाहरी रूप से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेगा, अच्छे अच्छे आभूषणों को ग्रहण कर लेगा, और इस प्रकार वह बाहरी रूप से देखने में सुंदर लगता है। दूसरे प्रकार से वह अपनी सजावट करता है आंतरिक रूप से। वह बाहर से चाहे जैसा भी दिखे, यदि आप उस व्यक्ति से बातें करेंगे तो आपको लगेगा यह कितना सज्जन व्यक्ति है। अर्थात एक व्यक्ति वह होते हैं जो बाहरी तौर पर अपनी सजावट करते हैं, और दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो अपनी आंतरिक तौर पर सजावट करते हैं, बाहर से वह चाहे जैसे लगे। उसी प्रकार अलंकार के भी 2 भेद हैं। एक है शब्द अलंकार, अर्थात शब्द अलंकार उस अलंकार को कहेंगे जिसमें कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाएगा, या कविता को सिर्फ शब्दों के द्वारा ही अच्छी या सुंदर बना दिया जाएगा, और आप सिर्फ कविता को पढ़कर ही आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपको
बाहरी रूप से कोई सजावट नहीं दिखेगी, आपको कविता में किसी प्रकार से शब्दों की सजावट नहीं दिखेगी, परंतु जब आप उस कविता का अर्थ जानेंगे तब आपको लगेगा कि यह कविता कितनी अच्छी है। जैसे शब्दालंकार के बारे में यहाँ लिखा है, जहां किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है वहां शब्दालंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। अर्थात कवि द्वारा जो कविता लिखी जाती है शब्दालंकार की सजावट के द्वारा, वह इस प्रकार से शब्दों के प्रयोग से लिखी जाती है कि आप केवल उसे पढ़ लें आपको आनंद में अनुभूति होने लगती है। जैसे वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी ही हो तज भाजती है। इसमें कानी कानी जो शब्द है दो बार प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से प्रयोग किया गया है कि यह कविता की पंक्ति अत्यधिक सुंदर लगती है। दूसरा है अर्थालंकार, मैंने बताया जहां कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण हो वहां अर्थालंकार होता है। इसकी साधारण सी परिभाषा आप बना सकते हैं कि वह अलंकार जिसके द्वारा शब्दों के अर्थ के द्वारा जिसमें शब्दों के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए वह अर्थालंकार कहलाता है। जैसे मखमल के झूले पर झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ शब्द कोई भी शब्द एक प्रकार से नहीं है, किसी प्रकार से पढ़ने में अनुभूत आनंद की अनुभूत नहीं हो रही है, परंतु इसका अर्थ जानने पर आपको आनंद की अनुभूति होगी। इस काव्य पंक्ति में बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा का सदृश वर्णन किया गया है जो कि किसी महंत की सवारी से किया गया है। यहाँ अर्थालंकार के एक प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है जिसके बारे में विस्तार से आगे में चर्चा हम करेंगे। शब्दालंकार के भी प्रभेद होते हैं, अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रयास अलंकार, जहां वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रयास अलंकार होता है। क्योंकि अनुप्रयास अलंकार शब्दालंकार का भेद है इसलिए इसमें वर्णों या शब्दों के द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा। जैसा कि पहला उदाहरण है, कल कानन कुंडल मोर पखाव रूपे बनवाल विराजत। अब आप इस पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क वर्ण की और यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है जिसके कारण कविता की इस पंक्तियों में एक अलग सी सुंदरता आ जाती है। और अनुप्रयास अलंकार यही कहता है कि यहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार कविता की यह पंक्ति अनुप्रयास अलंकार द्वारा सजाई गई है। छोरटी है गोरटी या चोरटी अयेर की। अब देखिए यह पंक्ति है, आप इसे बार बार पढ़ना चाहेंगे क्योंकि इसमें अलंकारों के द्वारा सजावट कर दी गई है। आप इसका अर्थ नहीं जानते लेकिन आपको बार बार इसको पढ़ने का मन करेगा, छोरटी है गोरटी या चोरटी अयेर की, क्योंकि यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है और इस प्रकार से इस पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न किया गया है ताकि यह काव्य सुंदर हो जाए। और क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए इसे अनुप्रयास अलंकार कहेंगे। तीसरा है सुरभित सुंदर सुबद सुमन तुम पर खिलते हैं। अब यहाँ सुवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और इन आवृत्तियों के द्वारा ही इस पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न किया गया है इसलिए इसे भी अनुप्रयास अलंकार की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार आप समझ लीजिए कि अनुप्रयास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, कम से कम दो बार से तो ज्यादा ही होगी। और ऐसा कोई कविता की पंक्ति जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से उस कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ हो वहां अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। अनुप्रयास अलंकार में हमने देखा कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही थी, परंतु यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी और प्रत्येक बार शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अर्थात एक ही शब्द बार बार प्रयोग होगा पंक्तियों कविता की पंक्तियों में, परंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार अलग होगा। जैसे कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी रीति रीति शोभा सब रीति के शरीर की। यहाँ बेनी बेनी दो बार प्रयुक्त हुआ है शब्द,
रीति रीति तीन बार शब्दों का प्रयोग हुआ है रीति शब्द का, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे बेनी, पहली बार तो बेनी कविता के कवि का नाम है, दूसरी बार बेनी का अर्थ चोटी है, जबकि रीति शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार प्रयुक्त रीति रीति शब्द रत्ती है, जबकि दूसरी बार रीति शब्द कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति का अर्थ बतलाता है। इस प्रकार हमने देखा एक ही शब्द बार बार आया है परंतु उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस प्रकार के कविता में प्रयुक्त अलंकार को यमक अलंकार कहेंगे। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्तियों में घटा शब्द दो बार आया है। काली घटा, पहला घटा जो है वो बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा घटा वह घटने के लिए, कम होने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब कविया कह रहा है काली काले बादलों का घमंड घट गया, नवमंडल तारक वृंद के लिए। पहला घटा जो है वो बादलों के लिए और दूसरा घटा कम होने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इन पंक्तियों में शब्दालंकार का तो प्रयोग हुआ है लेकिन शब्दालंकार के यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके साथ कई अर्थ चिपके हुए हो वहां श्लेष अलंकार कहा जाएगा। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चहूं और सुवरण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब इस पंक्तियों में पहले तो हम यह देखेंगे किसी भी वर्ण की आवृत नहीं हुई है, अनुप्रयास अलंकार नहीं होगा। किसी भी शब्द की आवृत्ति नहीं हुई है तो यहाँ यमक अलंकार भी नहीं होगा। यहाँ एक शब्द दिया है सुवरण। सुवरण का पहला अर्थ है सुंदर वर्ण, अच्छा शब्द। दूसरा है सुवरण का अर्थ है दूसरा रूप, अच्छा रंग रूप। तो यहां एक ही शब्द सुवरण से दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अच्छा शब्द सुवरण का अर्थ होता है अच्छा शब्द, और दूसरा सुवरण का अर्थ होता है अच्छा रूप। इस प्रकार एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके होने के कारण यह श्लेष अलंकार कहा जाएगा। दूसरा है मंगन को देख ही पट देत बार बार। इसमें भी पट शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हैं। पहला पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा पट का अर्थ होता है किवाड़, और एक ही शब्द पट का यहां दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला, वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ, वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। अतएव यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। हम लोग जानेंगे प्रमुख अर्थालंकारों के विषय में। प्रमुख अर्थालंकार पांच हैं। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण तथा पांचवा अतिशयोक्ति। जैसा कि हम जानते हैं अर्थालंकार में शब्दों के अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जिसमें का पहला है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा दी है अत्यंत सदिशता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना, तुलना करना। यहाँ एक वस्तु की तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु से की जाएगी भले ही दोनों के मध्य कोई समानता ना हो, परंतु जिस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा उसमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाएगी। इस प्रकार इसके पांच भाग हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। यह पांच तत्व उपमा अलंकार की प्रमुख तत्व कहे जाते हैं। इनको जानने के बाद ही हम किसी कविता की पंक्तियों में पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है अथवा नहीं। उपमेय, जिसको उपमा दी जाती है अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा होता है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख,
इस उदाहरण में मुख की बात की जा रही है, पूरी पंक्ति में मुख के विषय में कहा जा रहा है कि वह चांद सा सुंदर है, इसलिए मुख क्या होगा, उपमेय होगा। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु होती है जिससे उपमेय की तुलना की जाती है, जैसे ऊपर के उदाहरण में चांद सा सुंदर मुख। यहाँ हमें यह तो पता चल गया मुख के बारे में बात की जा रही है तो यह उपमेय होगा, और इसकी तुलना चांद से की जा रही है इसलिए चांद यहाँ पे उपमान होगा। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इसका उदाहरण चांद सा सुंदर मुख, मुख को मुख का तुलना किया गया चांद से, लेकिन यह भी विशेषता बताई गई कि यह सुंदर है, और इस प्रकार के धर्म सुंदरता या जो शब्द है यह इसका साधारण धर्म कहलाएगा। वाचक शब्द, उपमा अलंकार में कुछ प्रमुख वाचक शब्द प्रत्येक दशा में आना अनिवार्य तो नहीं, परंतु अधिकतर उपमा अलंकार वाली पंक्तियों में काव्यों में इनका प्रयोग होता है, जैसे सा सी तुल्य सम जैसा, यह सब तुलना सूचक शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब इसमें बात किसके बारे में की जा रही है, टीले के बारे में बात की जा रही है, तो जिसके बारे में बात की जाती है वह उपमेय होता है, इसलिए टीला यहां उपमेय होगा। टीले की तुलना की जा रही है मखमल के झूले पड़े हाथी अर्थात हाथी से, टीले की तुलना की जा रही है हाथी से, इसलिए हाथी यहां पर उपमान होगा। और सासी तुल्य सम जैसा जो जो चिन्ह होते हैं यह वाचक चिन्ह होंगे, किंतु इसमें साधारण गुणधर्म नहीं है। जबकि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, अब इसमें बात की जा रही है नभ के विषय में, तो नभ हमारा उपमेय होगा। नभ की तुलना की जा रही है शंख से, इसलिए शंख जो है उपमान होगा, और इसका साधारण गुण बताया जा रहा है नीला, इसलिए यह साधारण धर्म होगा। जैसे एक वाचक शब्द है जो कि तुलना सूचक शब्द है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। अर्थालंकार का दूसरा अलंकार रूपक अलंकार है। इसकी परिभाषा होगी, जहां गुणों की अत्यंत समानता अर्थात उपमेय तथा उपमान के दोनों के गुण एकदम समान होंगे, और इस कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान ही बताया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। इससे पहले हमने उपमा अलंकार को देखा, इसमें उपमेय और उपमान में तुलना होती थी, बल्कि जबकि रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में तुलना नहीं होगी, बल्कि उपमेय को उपमान के सदृश ही रखा जाएगा। जैसे आए महंत वसंत, यहां वसंत उपमेय है और महंत उपमान है, ठीक है। अब देखिए आप, वसंत को यहां सीधे तौर पे महंत कह दिया गया है, यहां कहा जा रहा है महंत रूपी वसंत आए हैं, अर्थात ये जो बसंत है उसको महंत कह दिया गया है। यहां तुलना नहीं की गई है, बल्कि वसंत को महंत कह दिया गया है। उसके बाद देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहां पर उदयगिरी मंच, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज तथा लोचन भृंग, इन सभी पंक्तियों में उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया है। जैसे मंच पर, मंच उपमेय है क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, और यह उदयगिरी उपमान है, मंच को उदयगिरी पर्वत के समान बताया गया है, उदयगिरी पर्वत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। रघुवर को बाल पतंग के रूप में, संतों को सरोज के रूप में, और लोचन अर्थात नैनों को भौरों के रूप में देखा गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। इसके बाद देखिए, चरण कमल बंधौ हरिराय, यहां पर चरण कमल में देखिए चरणों की बात की गई है,
इसलिए उपमेय हुआ और इसे कमल सदृश बताया गया है इसलिए कमल उपमान हुआ। यहाँ पर चरण को कमल कह दिया गया है, था चरण रूपी चरण को कहा गया है कि कमल रूपी चरण, ठीक, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा क्योंकि उपमेय में उपमान का अभेदारोप कर दिया गया है। अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षा अलंकार, यहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाएगी, यहां ना तो उपमान उपमेय की बराबरी की जाएगी ना तो तुलना की जाएगी बल्कि दोनों के मध्य कल्पना की जाएगी, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त कविताओं की पंक्तियों में मनु मानो मनहु जनु जानो ज्यो जनहु मानो ये सभी शब्द आना अनिवार्य है। इससे अतिरिक्त भी शब्द हो सकते हैं परंतु वह संभावना या कल्पना करने वाले शब्द होने चाहिए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर सका। इन पंक्तियों में अर्जुन के विषय में कहा गया है कि क्रोध से कांपते हुए अर्जुन के शरीर में सागर के तूफान की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात अर्जुन का शरीर क्रोध से इस प्रकार से कांप रहा था मानो सागर में कोई तूफान आ गया। दूसरा उदाहरण, लता भवन ते प्रकट भय तेहि अवसर दउ भाई जिस जिकसे जगु जग जनु जग विमल विदु जलद पटल मिल गाय। इस उदाहरण में लताओं के भवन से निकलते हुए राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के संबंध में कहा गया है कि वे ऐसे लगते हैं मानो बादलों के मध्य से चंद्रमा दो चंद्रमा निकल आए हों। यहाँ भी मानो शब्द आया है अर्थ में भी और यहाँ जनु शब्द आया है कविता की पंक्तियों में। इस प्रकार ऐसे अलंकार को आप पहचान सकते हैं। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार से अभिप्राय जड़ पर चेतन का आरोपण। जब कवि प्रकृति पर चेतना का आरोप करते उसे मानव या मानव सदृश क्रिया या भावना के रूप में प्रस्तुत करता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति मानव के समान क्रिया व भावना व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ऐसा अलंकार जिसमें कवि प्रकृति का वर्णन करता है परंतु वह प्रकृति का वर्णन करते समय किसी सजीव चीज से प्रकृति की तुलना कर देता है, सजीव मानव से किसी पशु से जो क्रिया करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में उनसे तुलना कर देता है, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर केवल प्रकृति की तुलना मानव से नहीं होगी, यहाँ प्रकृति की तुलना पशु से भी हो सकती है, किसी भी सजीव पशु से जो क्रियाशील हो। उदाहरण देखिए, सोन जूही की बेल चौकड़ी भरती चंचल हिरनी। यहाँ पर सोन जूही की बेल में वृद्धि के बारे में कहा गया है कि यह किस प्रकार से वृद्धि कर रही है, जैसे चंचल हिरनी, जैसे चंचल हिरनी के समान तेज चाल, चंचल हिरनी तेज चाल से चलती है उसी प्रकार सोन जूही की बेल तीव्र गति से वृद्धि कर रही है। यहाँ पर सोन जूही की बेल एक प्राकृतिक चीज, प्राकृतिक पेड़ है, प्रकृति से संबंधित है और उसकी तुलना चंचल हिरनी से कर दी जा रही है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। आपने पीछे पढ़ा था आय महंत वसन उपमा अलंकार भी था और उसमें मानवीकरण भी अलंकार होगा क्योंकि जो वसंत ऋतु है ये प्रकृति से संबंधित है और इसकी तुलना महंत से कर दी गई है और महंत जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का पद होता है जो कि केवल मानव को दिया जाता है, इसलिए वहां पर भी मानवीकरण अलंकार होगा। एक ही पंक्ति में दो से अधिक अलंकार हो सकते हैं। मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल, मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। यहाँ मृत्यु शब्द प्रकृति से संबंधित है और उसके हाथों को क्रिया करते हुए बताया गया है, उसको इस प्रकार से क्रिया करते हुए बताया गया मानो किसी मानव का हाथ हो, मानो मृत्यु कोई मानव हो जिसने अपने शीतल हाथ किसी पर रख दिया हो, क्योंकि हमको पता है मृत्यु के कोई हाथ नहीं होते, हाथ तो केवल मानव या पशु मानव के होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ मृत्यु को
मानव सदृश किया गया है, मानव सदृश तुलना की गई है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के समान दिखाया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। अर्थालंकार का अंतिम अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, अर्थात जब कवि अपनी रचनाओं में ऐसी बातों का उल्लेख करता है जो वास्तविक जीवन में होना असंभव हो तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूकंप सहस दस एक ही बारह उगे उठावन डरत न टारा, धनुर्भर के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस धनुष को उठाने लगे पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहां लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखिए एक धनुष को उठाने के लिए यहां कहा जा रहा है कि यहां पर 10,000 राजा एक धनुष को एक साथ उठा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है एक धनुष को 10,000 राजा एक साथ उठाने का प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न भी कर सकते हैं तो क्या वह धनुष नहीं उठेगा? यह एक क्या है पढ़ा चढ़ाकर बातों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पूर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे, नायिका के रूप में रूप सौंदर्य का यहाँ अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए जो संभव न हो वो उन प्रकार की कविता की पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जितनी भी आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनमें प्रत्येक पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और प्रयत्न कीजिए यह जानने की कि किस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया।